हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन ऑफ चौंद्रीमा। मैं हूँ चौंद्रीमा और आज की हमारी रेसिपी है इजी पेपर चिकन। जी हाँ, ये बहुत ही टेस्टी ग्रेवी डिश है, बहुत ही जूसी बनता है और चिकन भी बहुत यम्मी लगता है और बहुत झटपट घर में रहने वाले चीज़ों से बन जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ले लेंगे 500 ग्राम्स चिकन, मतलब 500 ग्राम यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया हुआ है। टर्मरिक पाउडर लेंगे 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून वाइट ऑयल, और उसको ऐसे हल्के हाथों से पूरे चिकन में मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से। अब इसको हम साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर एक पैन लेंगे, पैन को मीडियम हीट पे हीट करेंगे अराउंड 1 कप, तकरीबन 200 ग्राम्स वाइट ऑयल होगा आप ले लेंगे और इसको मीडियम हीट पे ही हीट करेंगे हम। ये जो पूरा कुकिंग है वो मीडियम हीट पे ही होगा। अब ऐसे हम धीरे धीरे करके चिकन को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हिलाना नहीं है हमको, ताकि चिकन जो है वो बोनलेस है, टूट सकते हैं, इसीलिए धीरे धीरे करके ऐसे पूरा चिकन हम मिला देंगे। देखिए अच्छे से हमने डाल दिया है। अब 5 मिनट के लिए एक साइड पे से कुक करने देंगे और उसके बाद हम इसको धीरे धीरे करके माइल्डली इसको हम एक साइड से दूसरी साइड में फ्लिप कर देंगे। ये जो पूरा चिकन है हम दूसरी साइड से भी 5 मिनट पका लेंगे ऐसे, ताकि जो चिकन है वो फ्राई हो जाए और 70 से 80% तक ऐसे फ्राई के प्रोसेस में, मतलब 10 मिनट्स फ्राई के प्रोसेस में ही ये कुक हो जाएगा आपका चिकन। और ऐसे देखिए 5 मिनट और इस साइड से भी हम पका लेंगे। उसके बाद जब ऐसा हल्का सुनहरा कलर आ जाए और आपको देख के भी समझ सकते हैं कि चिकन हो चुका है, फिर एक स्ट्रेनर, एक छन्नी की मदद से उसको उठा के ऐसे एक प्लेट में रख देना है हमको साइड में। ऑयल जो है वो कढ़ाई में ही रहेगा, खाली चिकन को हमें निकाल लेना है। अब जिस कढ़ाई में ऑयल है उसको मीडियम हीट पे रख के यहाँ पे हमने 5 मीडियम साइज अनियंस लिए हैं, उसको कट करके ऐसे मिक्सी में पेस्ट बना ले। फिर जीरा 1/2 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन पेस्ट को हमें डाल देना है उसी ऑयल में जहाँ पे चिकन का फ्लेवर है। और यहाँ पे हमने अराउंड 5 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट डाला है। आप किसी भी टमाटो को मिक्सी में घुमा के ऐसे पेस्ट बना ले और उसे कुक कर ले अराउंड 5 मिनट्स। देखिए अच्छा कलर आ गया है। यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून पेपर पाउडर, वही से पेपर का फ्लेवर आएगा, और 2 टेबल स्पून हमने डाला गरम मसाला और 1 टेबल स्पून खाली कलर के लिए डाला टर्मरिक। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे लो फ्लेम पे ऐसे धीरे धीरे, जैसे मिल गया है। देखिए 2 मिनट के बाद ऐसा कलर आ जाएगा। उसके बाद हम चिकन को ऐड कर देंगे ऐसे, और पूरे चिकन में ग्रेवी को मिला लेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी कुक्ड है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं पड़ता है। घर में रहने वाले चीज़ों से ही बहुत इजीली बन जाता है और बहुत टेस्टी और जूसी बनता है ये ग्रेवी। अब यहाँ पे हमने 1 कप, जो चाय के कप है उसी के माप से 1 कप पानी डाला है। ज़्यादा पानी भी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेवी बनाने के लिए 1 से 1.5 कप आप लगा सकते हैं पानी। फिर इसको ढक्कन को बंद कर देंगे और लो फ्लेम पे, मतलब धीमे आंच पे इसको 10 मिनट तक पकने देंगे। देखिए ग्रेवी से तेल जो है वो अलग हो चुका है और बहुत ही सुंदर सी खुशबू आ रही है। अब जब बनाएंगे आपको खुशबू भी आएगी। फिर इसको ऐसे रेडी चिकन पेपर को आप निकाल ले ऐसे सुंदर से एक बाउल में और सर्व कर दे, और इसको खाइए ब्रेड के साथ, पराठे के साथ या फिर कोई भी राइस डिश के साथ, जो भी आपको अच्छा लगे। रेडी है हमारा
पेपर चिकन ग्रेवी बहुत इजी है, घर पे बनाइए, सभी को खिलाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी इस रेसिपी को, और हाँ, रिंग बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हम आपको नए नए रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और ऐसे ही हर रोज़ नए नए रेसिपीज़ के लिए देखते रहें किचन ऑफ चौंतरी माँ। थैंक यू फ्रेंड्स।